Thank you so much for coming, Mr. Devinder. हमें बहुत खुशी हुई कि आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन हमारी एकेडमी का इनॉग्रेट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है मिस्टर टोनी। मेरा देश भारत कला और संस्कृति का देश है और उसके विस्तार और विकास के लिए आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। आइए Excuse me. No problem. सर उठा लीजिए आपकी 12 बजे की इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग थी ये उसका कॉल होगा. सॉरी मिस्टर टोनी. नो प्रॉब्लम. हेलो व्हाट रिधिमा, रिधिमा ठीक तो है ना? कॉल द पुलिस, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं. सर क्या हुआ? सर मिस्टर देविंदर सब ठीक तो है? कुछ लुटेरे मेरे घर में घुस आए और मेरी बीवी को गोली मार दी. I have to go. What happened, sir? What happened? Where are my car keys? मेरी गाड़ी की चाबियाँ कहाँ हैं? No problem, sir. आप मेरी गाड़ी ले जाइए. This key. रिधिमा जी आप? हाँ मैं. तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैम आर यू फाइन? ऑफ कोर्स आई एम फाइन. मुझे क्या हुआ है? तो फिर सर कहाँ चले गए? मोना डार्लिंग, इन कपड़ों में मैं थोड़ी सी मोटी दिख रही हूँ. मैंने तुमसे कहा था ना, ये फैब्रिक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है. But that's okay. Next event में ना हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे. Something really interesting. I know, darling. मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगे. Okay, bye. Oof. कितनी गर्मी है यहाँ पर. निहारिका, ये लंदन नहीं है, इंडिया है. और तुम इंडिया पहुंच चुकी हो. ओह माय गॉड, ये तो वही है ना जिसकी फोटोज मैगजीन में छपी है. हाँ, अरे ये तो निहारिका है, लंदन की बहुत फेमस मॉडल है ये. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ प्लीज? या श्योर. निहारिका, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ पार्किंग में. लगेज बाहर लेके जा रहा हूँ, तुम बाहर ही आ जाना, ठीक है? निहारिका मैम, आपको मुंबई में आके कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. आगे का आपका क्या क्या प्रोग्राम है? लेट्स सी, अभी तो कुछ प्रोग्राम बनाया नहीं है, बट हाँ मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो अभी मुझे जाना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी गाइस, ये जयंत कहाँ चला गया? कमाल है. एक काम करती हूँ, उसका फोन ट्राई करती हूँ. जयंत का फोन भी अनअवेलेबल है, बिना बताए कहाँ चल. ये भीड़ क्यों लगी है?
क्या हुआ लक्ष्मी? ये कोट, ये कोट तो मेरे हस्बैंड का है, जयंत का। और ये बैग्स भी हमारे। आप में से किसी ने मेरे हस्बैंड को देखा है क्या? किसी ने देखा? प्लीज रिलैक्स। क्या आप इन्हें जानती है? नहीं नहीं, मैं इनको कैसे जान सकती हूँ? मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, किसी को भी नहीं। मेरे हस्बैंड है जैन, मैं उनको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, और ये जैकेट भी उनका है। आप में से किसी ने देखा है क्या उनको? वो आपके पति थे? आपने उनको देखा है क्या? आपके पति को अभी कुछ लोग गाड़ी में जबरदस्ती उठा के लेके गए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो इंडिया पहली बार आए, हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, उनको कोई कैसे उठा के लेके जा सकता? हाँ, मैंने भी देखा था, कुछ गुंडे लोग आए और उन्हें जबरदस्ती खटारा गाड़ी में उठा कर लेकर चले गए, और इस आदमी को गोली मार दी गई। क्या? खड़े खड़े तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन दो जल्दी। हेलो, CID? कमाल, ना कोई वॉलेट, ना फोन, ना कोई पहचान। है कौन ये आदमी? जयंती से बात क्या कर रहा था? गोली तो लगता है बहुत नजदीक से मारी है। और ये सूट, सूट भी कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। हाँ सर, इसका सूट और ये जूते मैच ही नहीं कर रहे हैं। महंगे सूट वाले का हाथ यार, ये देखा, इतना कटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा काम करता है जैसे बार बार इसका हाथ कटता है। चेहरे से भी आदमी कुछ मजदूर जैसे ही दिख रहा। और एक बात है अभिजीत, ये निहारिका बता रही थी कि जैन अपनी जिंदगी में पहली बार आ रहा है इंडिया में। अगर ऐसा है तो वो इस आदमी से फोन पे क्या बात कर रहा था? आपस में क्या लेना देना हो सकता है? क्या आप लोगों ने वो कार का नंबर नोट किया था क्या? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि गाड़ी का नंबर नोट करने का ख्याल भी नहीं आया। लेकिन हाँ, गाड़ी क्रोमेक्स 300 थी सर। गाड़ी बिल्कुल खराब थी, एकदम खटारा, जंग से भरी हुई, जैसे किसी गैराज में पड़ी सड़ रही थी। सर, CCTV फुटेज देख कर आ रहा हूँ सर। और गाड़ी क्रोमेक्स 300 है सर, उस पे ना सर जंग लगा हुआ था सर, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि सर, मतलब गैराज में पड़ी पड़ी सड़ रही थी। हाँ, वो ठीक है, वो सब हमें पता है। गाड़ी का नंबर दिख रहा है सर? वो तो नहीं दिखा सर, क्योंकि नंबर प्लेट पे सर नंबर नहीं दिख रहा था, क्योंकि मिट्टी और कीचड़ वीचड़ लगा हुआ था सर, समथिंग। इस कार से ही पता लगाना पड़ेगा। कार में जैन को लेके गए, जैन की जान को खतरा हो सकता है। अगर जैन मुसीबत में है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, निहारिका की। निहारिका जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, प्लीज। आइए। गाइज, मुझे तुम लोग कुछ दिखाना है। क्या है, क्या बताने आए हो? क्या बताने आए हो? अगर तुम लोगों को कुछ बताना ही था तो वहाँ एयरपोर्ट पे क्यों नहीं बताया? सर, एक्चुअली हम आपको बताना चाहते हैं, पर बहुत डर लग रहा है। डरते वो हैं जो गलत करते हैं। क्या किया तुम लोगों ने? पीयूष, अब तो बोलेगा भी या साथ साथ हमें भी पिटवाएगा? सर, मैं बस गलती से, मैंने एयरपोर्ट पे एक सामान उठा लिया था। क्या उठाया वो बताओ।
गन? किसकी गन उठाई? किसकी गन है ये? सर, जिन्होंने जैन को किडनैप किया था और जब वो गाड़ी से भाग रहे थे तभी उनमें से किसी के हाथ से गिर गई थी। मैंने एक्साइटमेंट में उठा ली। जोश में आकर तुमने किसी की गन उठा ली? ये क्या किया तुमने? इस पर खूनी के उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं। अरे उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सॉरी सर। आइंदा एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर कभी भी तुम लोगों ने ऐसी खतरनाक चीज देखी तो उसे हाथ मत लगाना, समझे? फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना। और अब जाओ, अच्छी तरह से रिहर्सल करो, हाँ? अच्छा परफॉर्मेंस दो, गुड लक। क्या कर रहे हो तुम? जो कोरियोग्राफी सिखाया वैसे करो ना। तुम पहले क्यों मूव कर रहे हो? अरे लेकिन मैं आगे मूव इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने जब वो ऐसे करके टर्न लिया तो मैंने सोचा अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमको जल्दी संभाल। प्लीज, तुम ऐसे कोरियोग्राफी चेंज नहीं कर सकते, दो दिन के बाद शो है। प्लीज स्टिक टू द प्रीवियस वन। अरे चलो एक काम करते हैं ना, फिर से रिहर्सल करते हैं। नहीं नहीं, आज के लिए इतना काफी है। एक काम कर लो, सब लोग अपना अपना प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम सब कुछ चेक कर लो, लेट्स गो टू द होटल। पीयूष बस हो गया रिहर्सल, अपना अपना प्रॉपर्टी और कॉस्ट्यूम चेक कर लो, देखो कहीं कुछ छूट ना जाए। हमने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। चलो ना अब जल्दी से चलते हैं, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। एक मिनट भैया। जी मैडम। देखो हम कल मॉर्निंग में रिहर्सल्स के लिए फिर से आएंगे। एक काम करो, ये सब सामान वो वाले हॉल में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर दो दिन बाद शो होने वाले। ये ठीक है, पहुँचा देंगे। दो सूटकेस। इधर से कोई गया क्या? नहीं कोई नहीं गया, छोड़ना यार। तू लिख, दो सूटकेस, दो गिटार, दो फोक। चल बंद करते हैं। हाँ चलते हैं। अरे यार ये सही किया। थैंक गॉड रूबल, इस कॉफी की बड़ी जरूरत थी। हाँ यार बताओ, सुबह के शुरू हुए और अब जाके खत्म हुआ। और एक दिन के लिए गाइस को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो गया? सीरियसली, वरना वो एयरपोर्ट पे मर्डर, किडनैपिंग और इस मान का गन चुराना, वो तो अच्छा हुआ कि एसीपी सर ने हमें जल्दी छोड़ दिया, वरना आज तो ये हमें अंदर ही करवा देता। लेकिन गाइस आई होप कि निहारिका को उसका हस्बैंड मिल जाए। तुमने देखा बेचारी कितनी परेशान थी, सेलिब्रिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने फिरौती के लिए उसे उठाया होगा। सीआईडी है ना, आई एम श्योर वो उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल हम अपने शो पे फोकस कर। गाइस हम नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में? अननोन नंबर। अरे उठा के तो देख, क्या पता किसी ऑर्गेनाइजर का हो सकता है। हेलो, हाँ कौन? फायर ब्रिगेड? क्या? ओह नो, नहीं नहीं, हमारे इसमें से कोई नहीं था वहां पर। रूपल, क्या हुआ रूपल? अरे लेकिन तू ऐसे रो क्यों रही है? फायर ब्रिगेड से कॉल क्यों आया था? रूपल कुछ बोलोगी? रिहर्सल हॉल में आग लग गई है। क्या? लेकिन कैसे? Thank you.
ये क्या हो सकता है? तारिका, इसकी जिंदगी की कहानी इस हाथ में छिपी हुई है, उस महंगे सूट में नहीं। तुम एक काम करो, ये जो चमड़ी निकाली है इस पर टेटामोल टेस्ट करो। हाँ सर। क्रोमैक्स 300 कार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एक और चीज ढूंढने की तैयारी कर लो दोस्त। अच्छा? सर, ये सूट, इस आदमी का सूट तो आपके सूट से भी ज्यादा महंगा लगता है। पंकज, तो क्या हुआ? सूट महंगा हुआ तो क्या हुआ? मेरे कपड़े महंगे नहीं है तब भी मैं अपना काम तो कर ही लेता हूँ ना। कपड़ों की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। तो क्या क्या पता चला? इसके हाथ के नाखूनों में जो कुछ मिला है वो बताता है कि वो एक सस्ती सी रंगीन डाई है। इसमें कुछ कांच के कण हैं और थोड़ा सा धागे का फाइबर है। सर, ये जरूर कपड़े रंगने वाला होगा। कांच के कण कहाँ से आए थे? ये देखिए, ये रंगीन स्ट्राइप्स जो इस केमिकल से बने हैं, इसका मतलब है इसकी चमड़ी में था लाइमस्टोन, थोड़ा ग्लू और माड़, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, चावल का पानी। रंग, कपड़ों के रेशे, गूंद, चावल का पानी और कांच का बुरादा। तब इसके हाथों पे कटे हुए का निशान है। सर मांझा, पतंग का मांझा। सर, इसका मतलब ये आदमी मांझा बनाता था। एग्जैक्टली, ये आदमी मांझा ही बनाता था। और ये मांझा कैसे बनाता था मैं बताता हूँ। इसकी फोटो है हमारे पास और ये आदमी काम क्या करता वो भी पता चल गया, तो इसके बारे में पूरी जानकारी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, हाँ, क्या, कहाँ पर? हाँ ठीक है, जरा मैसेज कर देना मुझे एड्रेस। ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? हिल रोड पे कहीं पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए मगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। चलो। ठीक हूँ मेरे दोस्त, मेरे यार। थके टायर, क्यों घिसता है बार बार लगातार? कैसे फोन किया टीको बड़ी? विमल, तुम्हारा गैराज खुला है क्या? मेरा दिल और मेरा गैराज तो हमेशा ही खुला रहता है। एक काम करो, तुम अपने गैराज को बंद कर दो अभी, नहीं तो याद रखना हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा गैराज बंद हो जाएगा, समझे? क्यों भाई, सुनामी आया क्या? हाँ हाँ, यही समझो, सुनामी आई है। अरे भाई, सीआईडी वाले आए हैं। वो कोई क्रोमैक्स 300 मॉडल का गाड़ी को खोज रहे हैं। मेरे तरफ आए, मुझे इतना धोया कि क्या बताओ, मुझे उल्टा लटका दिया। अरे तेरे पास वो गाड़ी है ना? अरे वही क्रोमैक्स 300, उसको कहीं छिपा दे, नहीं तो तुमको भी उल्टा लटका देंगे, समझे? सुन लिया भाई। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, गेट पे लगाओ, बाहर बोर्ड लगाओ, गैराज बंद है, जल्दी करो, शक्ल क्या देख रहे हो? सर, गैराज बंद है। लगता तो खुला है। गैराज बंद है मतलब बंद है। आप कल सुबह आइएगा, सबसे पहले आप ही की गाड़ी को ठीक करूंगा। ओके फ्रेंड्स। भाई साहब, हम अपनी गाड़ी नहीं लाए, तुम्हारी गाड़ी देखने के लिए आए।
मेरी कार। मेरी कौन सी कार? क्रोमैक्स 300, टूटी फूटी गाड़ी। सीआईडी इतनी जल्दी आ गई? समझदार इंसान हो, हैं? शक्ल देखती है, पहचान लिया। चलो बताओ गाड़ी कहाँ है, बताओ जल्दी। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी सर के लिए ठंडा लाओ, लस्सी वस्सी लाओ। सर बैठिए ना सर। इसका गैरेज अच्छी तरह से चेक करो, गाड़ी यहीं पर रखी है। सर यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है सर। तो फिर ये पीछे क्या है? ये पौधे हैं, पत्तियां हैं और कांटे भी हैं। इसे उल्टा लटका दो, रास्ता भी साफ हो जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी। जैसा लोग बता रहे थे ये गाड़ी तो बिल्कुल वैसी जैसी गाड़ी में जयंत गायब हुआ। इधर आओ। क्या ये सब? सर, सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। सर कल रात को ये गाड़ी चोरी हो गई थी सर, और आज सुबह वापस आ गई है ना। हाँ, आपको कैसे पता चला? देख सब कुछ ठीक ठीक और सच सच बता, झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा, समझे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये गाड़ी अपने आप वापस आ गई सर, ना ये वापस आती ना मुझे फंसाती सर। तेरी गाड़ी ज्यादा नहीं चली, पेट्रोल लगभग अभी भी फुल है। सर हाँ, ये गाड़ी कुछ देर पहले ही चली है, टायर्स पे लगी मिट्टी अभी भी गीली है सर। हमें बताए बगैर, हमें पूछे बगैर शहर तो क्या, ये गैरेज तक भी नहीं छोड़ोगे तुम, समझे? वरना क्या होगा? उल्टा लटका देंगे सर। समझदार हो, गाड़ी ले चलो। देख के तो ऐसे ही लगता है कि यहां आग ये सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगी है, पर आपका मानना है कि ये अपने आप नहीं फटा। जी सर। किसी का हाथ है इसके पीछे? हम लोगों ने अच्छी तरह जांच कर ली, हमें भी लगता है कि ये आग जानबूझ के लगाई गई है। सर बहुत ही अजीब बात है, एक रिहर्सल हॉल में किसी को आग लगा के क्या मिलेगा? हाँ सर, और आग भी हिसाब से लगी है, इस हॉल के अलावा बिल्डिंग में आग और कहीं नहीं फैली। कोई घायल हुआ? नहीं सर, घायल कोई नहीं हुआ, मुझे शक हुआ तो मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, मलबे को फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, तब तक हम इस जगह की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। श्रेया, पूर्वी, पंकज, पंकज क्या हटो इसे। इन पिलर्स के नीचे पड़ेंगे ये लोग, दोनों मर गया। एक मिनट, बड़ी अजीब बात है, ये हॉल इतनी बुरी तरह से जल गया है पर ये दोनों जले हुए नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है? और जिस तरह से दोनों लेटे हुए ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की ही नहीं है, बिल्कुल सीधे पड़े हैं। सर मौके पर जो भी लोग थे उन्हें किसी की भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ पे ये आग कैसे लगी और ये दो लोग कैसे मारे गए हैं, इन सवालों का जवाब तो मलबे की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मिलेगा। पता नहीं
सर प्लीज, उसको कहीं से भी ढूंढ के नहीं आई। उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। निहारिका संभालो अपने आप को, इसे परेशान से कोई फायदा नहीं है। निहारिका हमें जयंत के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो इंडिया उतरते ही जयंत को किडनैप क्यों किया? कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई दुश्मन। सर जैसा कि आप जानते मैं एनआरआई हूं, लंदन में फैशन वर्ल्ड की सुपर मॉडल हूं। और जयंत भी वहां के फेमस फोटोग्राफर है। 6 महीने पहले हम लोग मिले थे, बस देखते ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। सर वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है। सर वो सर उसने जो भी जिंदगी में किया है ना, सब कुछ अपने बलबूते पे किया है। सर उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? उनको सब बहुत प्यार करते हैं सर। नहीं निहारिका, ऐसा नहीं होता। खुली दुश्मनी ना हो सकता है, नाराजगी हो किसी बात को लेकर, जलन हो, कोई तो होगा ना, कहीं तो होगा। वो आदमी। कौन आदमी? अभी महीने भर पहले की बात है, हम दोनों हमारे यूरोप ट्रिप से वापस आ रहे थे तो अचानक उनको एक धमकी भरा कॉल आया और इस तरह के कॉल उनको 2-3 बार आए। फिर हमने देखा हमारे घर के लॉन में एक अजनबी इंसान था और जब तक हम उसके पास पहुंचते वो वहां से बाहर निकला। तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन लेकिन जैन ने देखा था। लेकिन वो इस बात को पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहता था, मीडिया तक नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर मीडिया तक ये बात पहुंच गई ना तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगी, इसलिए सर। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? निहारिका जी, वो सूट वाला आदमी जिसे आपके हस्बैंड एयरपोर्ट के बाहर मिले थे, जयंत जी उसे कैसे जानते हैं? बिल्कुल, मुझे जो कुछ पता था ना वो मैंने आपको बता दिया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कौन है? कौन है? रूम सर्विस। आइए। क्या है इसमें? सर खाना है, ऑर्डर किया था। निहारिका क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। तानिया सारे डब्बे खोलो। खाना टेस्ट करो। सर लेकिन हमारे होटल के रूल्स ये अलाउ नहीं करते। हाँ जो भी हो, लेकिन निहारिका की जान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें खाना टेस्ट करना पड़ेगा हमारे सामने। करो जल्दी। बाकी दोनों डिब्बों में से भी टेस्ट करो। ठीक है, तुम जा सकती हो। निहारिका अब शांति से खाना खाओ, चिंता छोड़ दो। विश्वास रखो हम पर, तुमसे वादा करता हूं हम तुम्हारे पति को सही सलामत वापस ले आएंगे। थैंक यू सर। इस जैन की जिंदगी का एक एक पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। लंदन में जो हमारा कांटेक्ट है जॉन स्मिथ,
उससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लेते हैं, देखते हैं। हेलो, हाँ अभिजीत, वो पतंग वाले को जानने वाला आदमी मिल गया सर। अब आएगा ना मजा, एक सिरा तो हाथ लग गया, अब देखते हैं। ये आ रही है? जी सर, मैतान चौक के पास पतंगों और मांझों की छोटी सी दुकान है इसकी। और सर, इसने मरने वाले को भी पहचान लिया है। अच्छा, उसका खून हो गया है। खून? हाँ खून, किसने किया है जल्दी पता लगाना है। साहब, मेरा रिश्तेदार था सोहन। सोहन? सोहन नाम है उसका? जी साहब। सोहन ने 40,000 रुपए का सूट पहन रखा था, कहाँ से आया उसके पास? 40,000 का सूट? साहब, ये उन दोनों का काम है साहब। किसका? साहब, सोहन है ना अहमदाबाद में रहता है, 3 दिन पहले ही मुझे मिला था और उसने मुझे कहा कि उसके पड़ोस में 2 बंदे रहते हैं और उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक काम करने के उसे 50,000 रुपए मिलेंगे साहब। कैसा काम? साहब वो मैंने उसे पूछा पर उसने मेरी बात टाल दी साहब और मुझे नहीं बताया साहब। अभिजीत देख, इसे अहमदाबाद ले जाओ। देखो साहब, मेरा काम खत्म हो गया है साहब। काम खत्म नहीं हुआ है समझे, खून का मामला है। साहब मैंने आपको बोला था कि मैं अहमदाबाद जाके जिगन का घर दिखा दूंगा और मैंने आपको जिगन का घर दिखा दिया। अरे तो है किधर वो? ये यहाँ। सर आइए आइए सर, ये कहाँ पे है? यहीं से ऊपर जाना है। आपको तो मालूम है आज अहमदाबाद में मकर संक्रांति है और अहमदाबाद पूरा छत पर रहता है। तो ये जिगेन और रिलेश भी छत पे होंगे ना? और कहाँ। चल तू भी चल हमारे साथ ऊपर छत पे। नहीं साहब, आप इसमें मुझे मत घसीटो, उन लोगों ने अगर मुझे देख लिया ना तो भड़क जाएंगे। अरे हम लोग हैं ना, चलो देखते हैं, कुछ नहीं होगा। अरे कोई मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सी पतंग है? तुम तो वहां मुंबई में बैठे हो और यहाँ अहमदाबाद में ऊपर आसमान में कुछ नहीं तो 1,00,000 से ज्यादा पतंगे उड़ रही हैं। कितनी? 1,00,000। अरे हरिया भाई, केम छो? मजा मचो भाभी जी। आओ आओ, अच्छा है संक्रांति के दिन आए, आए तो सही। जिगन भाई कहाँ है? वो वहाँ पे। जिगन भाई, केम छो मजा मा? संक्रांत के लिए आया या कोई और बात है? बोलता क्यों नहीं, क्यों है? मेरे साथ मेरे तो दोस्त आए हैं मुंबई से, उन लोगों को अहमदाबाद की संक्रांत देखनी थी तो ले आए वो। हाँ
अपने दोस्तों से मिलवाओगे नहीं क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है जिगन और ये है इलेश। ये खाता क्या है? भेजा। देखो इलेश भाई, जिगन भाई, अपने परिवार वालों के सामने अगर आप बेइज्जती नहीं करानी है ना तो 10 सेकंड के अंदर नीचे चलो। चले आजा आजा आजा। अपने ही दोस्त सोहन को मरवा दिया। 50,000 रुपए के लिए एक आदमी की जान ले ली, उसकी फैमिली तो बर्बाद हो गई, और यहाँ बैठ के पतंग उड़ा रहे तुम लोग? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बता दो, सब बता दो, बता दो। एक औरत थी। औरत? औरत? कौन थी औरत? मालूम नहीं, बस शक्ल देखी थी साहब। नहीं मालूम? नहीं साहब। बोली की सूट मैं दूंगी। सूट देगी? हाँ सर, बोली थी कि मैं सूट दूंगी, तुम लोग बस किसी को भी सूट पहना कर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर देना। एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर देना गोली खा के मरने के लिए? हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि कोई उसको गोली मार देगा सर। मालूम नहीं था। 50,000 रुपए के लिए एक बेचारा मारा गया, उसे 50,000 रुपए दे दिए तुम लोगों ने? 50,000 रुपए दिए या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिए, नहीं दिए सर। पैसे नहीं दिए? नहीं सर, नहीं सर। उधर उधर दे, उधर से मैंने शायद एक गन देखी। कहाँ पे? पीछे। पीछे? अरे, ए, रुक, रुक, ए! कहाँ चली गई? कहाँ गई? छिप गई कहीं? हाँ, वो फिरकी उठा लेते हैं, हमें देखकर भी वो फिरकी उठाने की कोशिश कर रही थी। चलो ऐसा क्या है इसमें? ये मांझा तो कहीं से भी ले सकती है, फिर इसे उठाने वापस आई क्यों?
हाँ कुछ तो है इसमें। पकड़ो इसे, देखते हैं मांझे के नीचे क्या है। छब्बीस को सब धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं। आदमी का खून करवा के तुम लोग छुप नहीं सकते कहीं पे भी, समझे? और कौन थी? कौन थी? सब खत्म हो गया ना? हाँ यार, इतने महीने की मेहनत और एक मिनट में खाक हो गई। तो अब क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कैसे होगा मीरा, 48 घंटे बचे हैं सिर्फ शो को, और इतनी जल्दी प्रॉप सेट कॉस्ट्यूम कैसे बनेगा? लेकिन पता है एक चीज हो सकती, वापस जाने की टिकट। ए क्या बोल रहे यार, अरे मुझे डांस करना है, मैं यहाँ पे डांस करने के लिए आया हूँ। 40,000 टिकट्स बिक चुके और ये शो हम लोग हर साल करते हैं चैरिटी के लिए। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, गणतंत्र दिवस का ये इवेंट इस बार नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। मैम आप, ये इवेंट होकर रहेगा। लेकिन कैसे मैम? हाँ और इतने कम समय में सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा, फंड्स कहाँ से लेंगे? मेरे हस्बैंड सालों से इस इवेंट को करते आ रहे हैं और इस बार भी होगा, धूमधाम से होगा। क्या हुआ देविंदर, ऐसे क्यों बैठे हो? सर्वेंट्स कह रहे थे तुमने डिनर भी नहीं किया है, सब ठीक तो है ना? थोड़ा परेशान हो रही थी मां। क्या परेशानी है बताओ तो। तुम जानती हो मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूं, भारत मेरी रग रग में बसा है। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम मैं अपने देश में करवाता हूं, इस बार शायद उसमें कुछ। उसमें क्या? कहीं कुछ तो ठीक नहीं है। इस बार 26 जनवरी के फंक्शन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उसमें क्या? तुम ही तो कह रहे थे कि सारी तैयारियां हो चुकी है, और इस बार भी 26 जनवरी को कल्चरल प्रोग्राम तुम बढ़िया से करवाने जा रहे हो। इनफैक्ट हम दोनों इंडिया जाएंगे इसे अटेंड करने और इसे सेलिब्रेट करने। इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी। लेकिन मैम। लेकिन लेकिन नहीं रूपल, मेरी टीम सारा इंतजाम कर रही है, कॉस्ट्यूम सेट प्रॉप सब कुछ बन रहा है। तुम लोग निराश मत हो, मेरे हस्बैंड का सपना जरूर पूरा होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। ग्रेट, इनसे मिलो। ये है दीना और ये है रे। हाय। सारा काम टाइम पे हो जाए इसके लिए ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस फिर क्या मैम, हम सब तो तैयार ही हैं। हाँ, और तू डांस भी कर लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। यस गाइस, कम ऑन, 1 2 3। आज तो सीआईडी वालों ने मार ही दिया था, पता नहीं कैसे कहीं भी पहुंच जाते हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है मैडम कि आप बच कैसे गए। वो किसी और को पकड़ने आए थे,
एनीवेज काम हुआ? जी मैडम, फिरकी वाला मैसेज आगे पहुंचा दिया गया है। चूंकि हमें आगे बढ़ने का इशारा कर दिया गया है, इसलिए हमने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। और ये निहारिका के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? हो जाएगा 24 घंटे में। संदेशा भिजवा दिया गया है, इस बार हमारे आदमी चूकेंगे नहीं। That's very nice. इसका मतलब जो जो काम तुमको दिए गए थे वो काम तुमने सारे पूरे कर दिए? जी मैडम। वाह, तो हम लोग लंदन वापस कब जा रहे हैं? तुम नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूं 26 जनवरी की रात को। तो मैं क्या करूं, मेरा यहां क्या काम? देखो, मुझे बोला गया है कि सारी सफाई करके वापस आना। अब सीआईडी वालों के लिए मैं पीछे सबूत का ढेर तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हम लोग एक टीम हैं। टीम हम थे, काम खत्म, आदमी खत्म। 26 को सब धुआं धुआं कर दो। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, क्या ये? बताओ जल्दी, सब कुछ बताना और सच सच बताना। जिस औरत ने तुम दोनों को काम दिलवाया उसके अलावा क्या क्या जानते हो? सही सही बताना, जैन को कैसे जानते हो? निहारिका का नाम सुना है हा? और 26 जनवरी की धमकी, उससे क्या लेना देना तुम दोनों का? और वो मांझे वाली औरत कौन है वो? सर सर प्लीज, आप इतना मत चिल्लाइए, मुझे हाथ हटाया जाएगा सर। सर हम लोग सच कह रहे, हमें नहीं पता कि ये जैन तो निहारिका कौन है, और ये मांझे वाली औरत बीच में कहां से आ गई? सर हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। हाँ सर ये बात सच है कि पैसों के लिए हमने सोहन को एयरपोर्ट भेजा था बकरा बना के, पर सर हमें ये नहीं पता था कि वो वहां पे मारा जाएगा सर। और सर उस औरत ने मरने और मारने की तो बात की नहीं थी सर। हाँ सर हम सच कह रहे हैं। बड़ी बेशरम कारक, 24 घंटे से तेरे साथ चिपका हुआ हूं, लेकिन तूने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया कि वो जयंत का किडनैपर कौन है, कैसे ढूंढू? हाँ, उनके दब्बे हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हैं, लेकिन मैच किससे करूं ये तो बता। लेकिन कोई बात नहीं, तू जिद्दी है ना, तो मैं भी जिद्दी हूँ, सालू के नाम है मेरा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, ऐसे ढूंढ के रहूंगा। हाँ ध्यान रख, चल सालू के घुस जा फिर से। इन दोनों को ले जाओ और उस औरत का स्केच बनवाओ। सही सही बताना, नहीं तो तुम दोनों भी पतंग की तरह ऊपर आसमान पे उड़ते हुए नजर आओगे, समझे? चल चलो। गाड़ी में पेन के दिन भी नहीं है, टूटी हुई बहुत सारी, और हाँ वो निब इस्तेमाल नहीं हुई, एकदम नई। पेन की बहुत सारी निब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैन को वो लोग
किसी पेन बनाने वाली कंपनी में लेकर गए। एक बात और बॉस, हिल रोड की बिल्डिंग के रिहर्सल हॉल में जो लोग मारे गए थे उनके शरीर में जहर मिला है। दूसरी बात, बिल्डिंग के मलबे में डायनामाइट के अंश। बस मुझे तो ये किसी बड़ी साजिश का कोई हिस्सा लगता है। चल ठीक है, ओके बाय। सर दया, गराज वाले के कहने के मुताबिक जब गाड़ी उसके पास आई तब वो 45,000 किलोमीटर चली थी, उसके बाद में वो एयरपोर्ट चली गई। ज्यादा से ज्यादा और 55 किलोमीटर चली होगी ना? हाँ सर, और गराज से एयरपोर्ट तक की दूरी 55 किलोमीटर ही है। हाँ, लेकिन गाड़ी जब वापस एयरपोर्ट से गराज गई तब 70 किलोमीटर चल चुकी थी। इसका मतलब है 15 किलोमीटर ज्यादा। अब ये 15 किलोमीटर ज्यादा कहाँ गई होगी गाड़ी? वही तो, सारुख्या अभी अभी बता रहा था कि उसे गाड़ी के अंदर पेन की निब्स मिली है। निब्स, बहुत सारे पेन की निब्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी किसी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गई हो? 7.5 किलोमीटर इस रास्ते से अंदर और 7.5 किलोमीटर फिर से वापस। नया पता करो, इस गैराज के 7.5 किलोमीटर के दायरे में और एयरपोर्ट के, और फिर गैराज और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में 7.5 किलोमीटर के दायरे में ऐसी कोई पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या? ये पेन की निब की फैक्ट्री तो बंद पड़ी है, कोई है नहीं यहाँ पे। हम लोग सही जगह तो आए ना सर? आवाज नहीं, चैन को किडनैप करके यहीं रखा गया होगा। बिना आवाज किए ढूंढो उसे। यस सर। निकले छोड़ दिया। इधर देख। आप लोग कौन है? निहारी कहाँ है? निहारी कैसे मिलना है? हम लोग सीआईडी से, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। तो ठीक तो ना? और तुम्हें यहाँ लेकर कौन है? तुम जानते हो सर? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता निहारी कैसे मिलना है सर। उठो, ले चलो सर। उठा, उठा, सवाल क्या है? सर? हाँ सर, हाँ सर, जैन को ढूंढ लिया। हाँ वो ठीक है सर। क्या? ओह अच्छा, ओके सर, मैं समझ गया। मिस्टर जैन जरा सुनो। जी ऑफिसर। तुम्हें मारा किसने था? मुझे कुछ नहीं पता। और सर आप ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए ताकि मैं भी जान सकूं पैसे देकर खुद को अगवा करवाना कितने पैसे में होता है। मिस्टर जैन, प्लानिंग करनी ही थी तो इंडिया और लंदन दोनों जगह करनी चाहिए थी। तुम्हारे लंदन के किस्से अभी अभी ब्यूरो पहुंचे हैं? Yes. The name is Jayant Kumar. He's actually a freelance photographer for wildlife and fashion magazines. Yes. Can you please get back to me as soon as you get to know anything about him? Thank you so much. Sir, मैंने UK की Indian Embassy को Jayant Kumar के बारे में बता दिया है। Good. हमने भी हमारा जो London में contact है John, John Smith, उसे भी बताया। उसका phone तो आता ही होगा अभी। ये जॉन, मिस्टर प्रद्युमन,
इस नाम और चेहरे से मेल खाता कोई आदमी है ही नहीं। What? और उसका लंदन का जो फोन नंबर आपने दिया था वो किसी मारिया नाम के महिला के नाम अलॉट है, और जिन नंबर से कॉल आया है वो सब अंतरराष्ट्रीय कुख्यात अपराधियों के वो नंबर है जो कि अब इस्तेमाल में ही नहीं रहे। ये तुम क्या कह रहे हो जॉन? मुझे लगता है मिस्टर प्रद्युमन, ये आदमी जो अपना नाम जयंत बता रहा है वो खुद बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माय गॉड, ओके थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ सर? फ्रेडी दया जयंत को बचाने गया है, और जयंत एक अपराधी है। हेलो दया। मतलब सर इसकी किडनैपिंग हुई नहीं थी, मैं पागल बनाया, पूरे मुंबई का चक्कर लगाया। सर वो बेचारी निहारिका जी, मैं बेवकूफ बना तूने। सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर था सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। तू एक मुजरिम है, अब मेरे पैर छूने से तेरे पाप धुल नहीं जाएंगे, तू बच नहीं सकेगा। सर तो मुझे माफ कर दीजिए सर। ए, निकालो हमें यहां से, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। देखा सर, पैरों में गिरने का फायदा, अब आएगा मजा। सर स्केच बन गया। क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। ये तो वो वेट्रेस तानिया है। तानिया यही तो खाना लेकर आई थी निहारिका के लिए। निहारिका को फोन करता हूं। निहारिका का फोन बंद आ रहा है। माय गॉड, काम हुआ? हाँ हो गया। तान्या ये हमारे बड़े प्लान की शुरुआत है, बहुत बड़े प्लान की। तुमको पता है छोटी सी भी गलती हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। मंत्रा हम जो काम करने यहाँ आए थे वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और निहारिका को हम जहाँ पहुँचाना चाहते थे वो तो वहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा चलो अब तुम यहां से निकलो। नहीं निहारिका नहीं, कुछ मत खाना, हाथ मत लगाना इस खाने को। क्या हुआ आपके खाने? देखो तुम्हारे इस खाने में किसी ने निहारिका निहारिका इसे जहर दिया है। भाई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। निहारिका निहारिका पूछो उसे किसने किया है। निहारिका किसने किया ये सब? तानिया सर। ए, रुको तानिया, जयंती पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। निहारिका को कौन है तू? बस तुम सीआईडी वाले तो बड़े घमंडी हो रहा, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? खुद पता कर लो।
क्यों तानिया जी, बड़ा अफसोस होगा तुम्हें सुनकर कि निहारिका बच गई। तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना तुमने तो उसका काम तमाम कर दिया था। अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो है? तुम्हें क्या लगा हमने तुम्हें जाना नहीं? उस दिन खाना लेकर आई थी ना तुम। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं? हमें फंसाने के लिए, तुम पर विश्वास करने के लिए? थोड़ी देर बाद आते तुम लोग तो क्या जाता तुम लोगों का? टाइम पर आके मेरा काम तो तमाम कर ही दिया और मुझे भी पकड़ लिया जाते हैं। तानिया, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और निहारिका को क्यों मारने आई थी। जैन, जैन के बारे में क्या जानती हो बताओ? जैन, जैन भी तो है इन सबके पीछे। वो कोई किडनैप हुआ दुखियारा नहीं है, वो और उसके दोस्त लंदन में बैठकर ये सब प्लान किए थे। अब वही सब आके यहाँ पे पूरा कर रहे। अच्छा, इसीलिए कहीं ना कहीं तो मुझे खटक ही रहा था ये सारा किडनैपिंग का खेल, सारा किडनैपिंग का प्लान। लेकिन डरना नहीं, जैन तो अब हमारे दया के कब्जे में होगा, उसके शिकंजे में। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या वास्ता है इस सारे गेम के साथ? क्या संबंध है तुम्हारा? मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो बस पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करती हूँ। और जयंत ने ही मुझे उसकी बीवी पर नजर रखने के लिए कहा था, आप लोगों की बातें उस तक पहुंचाना और वक्त आने पर निहारिका को खत्म करना मेरा काम था। वाह तानिया जी, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तो फिर ये भी जानती होगी क्या प्लान है उन लोगों का 26 जनवरी के लिए? क्या प्लान है बताओ जल्दी। तस्वीर दिखाओ उसे। बताओ तानिया, कौन है ये औरत? सीआईडी की नजरें काफी तेज है, ये मंत्रा है, जेंस राइट हैंड। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। मंत्रा, इस मिशन के बारे में जयंत के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। जिसको जो काम दिया जाता है सब बस वही करते हैं। तो बताओ तानिया, 26 जनवरी को सब धुआं धुआं होने वाला है, इसका क्या मतलब है? बताओ जल्दी और झूठ मत बोलना, समझे? झूठ बोलने से कौन सी मुझे आजादी मिलने वाली है? चलिए, आप लोग भी क्या याद रखेंगे कि आप लोगों ने किस ईमानदार बंदी को पकड़ा है। 26 को जबरदस्त धमाका होने वाला है। 26 के सेलिब्रेशन में जो 150 करोड़ की जो आबादी है ना, उनमें से बस कुछ माइनस कर लो। आपको तो पता ही होगा ये कहां पर है। माय गॉड, रूपल का शो, चैरिटेबल इवेंट 2016, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। माय गॉड, वैसे कहीं सुना था सीआईडी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, लेकिन इस बार थोड़ी देर हो गई। जैन, तुमने क्या जगह पंगा ले लिया है? तुम दया सर का कुत्ता जानते नहीं हो। हम लोग यहाँ से आजाद हुए ना, तो दया सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे तुम। आपकी आजादी अब यहीं खत्म हुई। इस जाल में फंस के अपने देश के गाने गाओ, गुणगान गाओ और बस अपनी आंखें यहीं बंद कर लो। इससे पहले कोशिश बहुत लोगों ने की, मगर हुआ कुछ नहीं, सब हवा हो गए। तुम्हारा भी वही हशर होगा। मुझे पता है कि आप लोग इतने खतरनाक हो कि मुझ बेचारे को इस क्राइम को प्लान करने से पहले ये प्लान करना पड़ा किस क्राइम से कैसे बचे। ये सब प्लानिंग मैं लंदन से करके आया था। मेरे पास सीआईडी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें क्या लगा हमें यहां लटका कर तुम बेगुनाह लोगों की जान ले सकते हो? इतना आसान नहीं है। जब तक सीआईडी है, इस देश के किसी भी नागरिक का बाल तक बाका नहीं कर सकते हो तुम। चलो, अब और इंतजार नहीं करवाते, चलता हूं। एंजॉय सर। हे जैन,
पता चल रहा सर, डर लगता है इस कुएं में आंसू ने। बाय बाय मिस्टर दया, बाय। पंकज हिलना डुलना बंद करो, एनर्जी बचा कर रखो, धीरे धीरे सांस लो। सर जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब बेहोश जाएंगे सर। निकल सर, मेरे जूते में एक चाकू है, छोटा चाकू, निकालो उसे जल्दी। हाँ आराम से। मीरा कम ऑन यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम आगे का स्टेप क्यों कर रही हो? आई नो रूपल, लेकिन मैं आगे का स्टेप करके देख रही थी कि मुझे याद है कि नहीं। देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है ना बिल्कुल वैसे ही गाना है। मैम इसके बाद हमें टॉफी तो मिलेगी ना? हाँ हाँ सबको टॉफी मिलेगी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। ये! तुम दोनों गेस्ट लिस्ट ठीक से चेक करना, मेहमानों की लिस्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट में शो शुरू होने वाला है, आप चलिए प्लीज। ओके सीआईडी आप लोग यहाँ कुछ हुआ है क्या? कुछ ना हो इसीलिए हम यहाँ आए। ये रूटीन चेकअप है, आपका प्रोग्राम अच्छे से हो जाए वही हम देख रहे हैं। ठीक है थैंक यू। अभिजीत तानिया ने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से तो जो भी होना है यहीं पर होगा। अगर हमला होना है तो गन्स बुलेट्स बॉम्ब्स एक्सप्लोजन किसी से भी हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ सचिन तुम लोग विंग्स और ग्रीन रूम देख लो, हम लोग ऑडिटोरियम देख लेते हैं। हाँ एक मिनट पंखा चला। आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश कितना महान है और आज का ये कार्यक्रम हमारे इस प्यारे से देश को हमारा सलाम है। तो लीजिए पेश है हमारी आज की पहली प्रस्तुति। रोको मेरे मिशन को, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब जी पहले बच्चों को बचाओ, जल्दी से भागो यहां से, धुएं में जहर है, भागो भागो यहां से।
आखिर जीत गए अभिजीत। हाँ यार, कर दिखाया हमने। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। बचाओ! अरे दरवाजा खोलो! अरे, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। हम खुद थोड़ी ना मर सकते हैं। कोई है? बचाओ! हेल्प! अरे दरवाजा! हरिका तुम जयंत, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम कैसी हो? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। आई एम सो हैप्पी तुम ठीक हो। अब तक तो ठीक था, पर अब नहीं रहेगा। जयंत, ये कौन है? बेवकूफ मत बनो, गन नीचे करो। क्यों करो? क्या हमें सीआईडी से बचाना हमारे सौदे में शामिल नहीं था? तुमने मुझे, विद्यमा को, हम सबको अकेले छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मेरा मिशन खत्म हुआ और मैं चला। तुम लोगों की सेफ्टी तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी मंत्रा, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे पता था कि तुम हम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने एक स्पेशल लेप रखा था जिसे लगा के मैं जल नहीं पाई, बच गई। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, आपका ये मिशन फेल हो चुका है। क्या फेल हो चुका है? पता होना चाहिए था मुझे, इतना दिमाग लगाया मैंने और तुम लोग उसको ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाए। जयंती, ये सब क्या है? ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है? बेवकूफ हो क्या तुम? दिमाग नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जो तुम्हारा पति है ना, ये एक अपराधी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल? अच्छा, तो फिर मैं कौन हूं? एक सीधी सादी मॉडल जो सिर्फ पोज करना जानती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब गलती हो गई मुझसे वहां लंदन में पार्किंग लॉट में। दरअसल मुझे इसे ट्रैंक्विलाइजर शॉट में गोली मार देनी चाहिए थी। मतलब उस दिन उस कोर्ट में तुम थी? हाँ मंत्रा, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कुछ मैं करवा रहा हूं? ये सारा प्लान निहारिका का था। और हाँ, ये मेरी पत्नी नहीं है जो तुम इसका ड्रामा देख रही हो ना। ये तो इसकी आदत है। जी हाँ मैडम, 26 जनवरी को इंडिया में अलग अलग जगह हमला करने का प्लान मेरा ही था। लंदन की मशहूर मॉडल हूं, किसी को शक भी नहीं होता। इसलिए जयंत के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम देने का फैसला मेरा ही था। लेकिन दुख की बात यह है कि देवेंद्र को बेकार में मरना पड़ा। देवेंद्र को तो मारना ही था, क्योंकि उसे शक हो गया कि जो वो 26 जनवरी का प्रोग्राम हिंदुस्तान में करवाया करता था उस पर हमला हो सकता है। तुम्हें क्या कह रही हो? देवेंद्र को मरवा दो यहां में, लंदन में। आवाज नीचे, वरना तुम्हारा सर कहां गिरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सॉरी। रिद्धिमा आ रही है ना? उसके साथ जाके प्लान की तैयारी कर। वहां इंडिया में सीआईडी को भी संभालना है, यहां की प्रॉब्लम यही खत्म करो, समझे?
क्या हुआ? देवेंद्र को 100 झूठ बोलकर पार्टी में से निकलना पड़ा। अब नहीं बोलना पड़ेगा, कभी भी नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब? मतलब ये, मंत्र को अभी फोन करो, तुम्हारे पति को उड़ाना है, आज ही प्लान करके इस मुसीबत को अपने रास्ते से हटाना है, समझी? डन। हेलो मंत्रा। मतलब उसकी बीवी, वो तो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थी, उसे भी नहीं पता था ये? निहारी का एक मुजरिम है, ये किसी को भी नहीं पता है। और सीआईडी के लिए तो मैं एक बेचारी हूं। वो तो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि वो बेचारी शहर की मारी हॉस्पिटल से कहां गायब हो गई। लेकिन तुम्हें पता है मंत्रा, अब तुम मरो। हंस लो मंत्रा, हंस लो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त तो तुम दोनों का है, पीछे मुड़ के देखो। सीआईडी, तूने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमें कहना चाहिए था निहारिका जी, अगर आपका नाम निहारिका हो तो हमने तो मंथरा को भेजा था जैन के पीछे, तुम तो हमें बोनस में मिल गई। कितने सफाई के साथ तुमने हमें जैन के किडनैपिंग केस पे लगाकर 26 जनवरी के कार्यक्रम पर हमला किया। क्या बात, वाह। कोई सोच भी नहीं सकता इतने मासूम चेहरे के पीछे इतने खतरनाक इरादे हैं। जो भी हो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, हम छूते नहीं है, हम तो बस पकड़ लेते हैं। जब तक हम जैसे लोग हैं इस देश में, इस देश का और इंसानियत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, तो अच्छा हुआ कि तेजाब की धुएं की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, काफी लोग बच भी गए जल्दी इलाज करने की वजह से। तो 26 जनवरी के अवसर पर हमारे देश पर हमला करने का जो कुछ भी प्लान था इस निहारिका और जयंत का, वो तो हमने पूरी तरह से बेकार कर दिया। हमारे देश पर जो बुरी नजर डालेगा उसका यही हाल होगा। हमें पता नहीं था कि मिशन की कामयाबी पे तुम ये केक खिलाने वाले हो। सर, ये केक मैं नहीं लाया हूँ सर, ये केक किसी ने भेजा है सर, और ये एसीपी सर के लिए चिट्ठी भी है। मेरे लिए? जिंदा हूं ये ख्वाब बाकी है, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। आऊंगा जल्दी वतन में तेरे, देने को तुझे जवाब बाकी है। मिसिंग यू हर पिस ढूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे अपने हाथों से ये वापस कैसे आ सकता है? पंकज, माय गॉड, पंकज नहीं! हर्पिस डोंगारा। अरे स्विट्जरलैंड में बर्फ में तो गोली मारी थी हमने उसे, फिर ये वापस कैसे आ गया है? अपनी आंखों के सामने उस शैतान को मरते हुए देखा सर, गोली तो लगी थी उसको यार। हाँ, इस बार हाथ लग जाए तो उसे गोली नहीं मारेंगे हम, अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। अरे डॉक्टर साहब, कैसे सब लोग? बच गए हैं सर, सब लोग होश में आ गए। होश में आ भी गए तो क्या फायदा है?
भगवान, तू हमें क्यों सजा देता है? और इसकी टांग क्यों नहीं तोड़ देता? ये कौन है? इनका नाम बुरी खबर है, जहां भी जाते हैं ना लोग रोने लगते हैं। मैं निकलता हूं, चलो। ये हरपीस डोंगारा कहां से टपक गया? सर उसे तो हमने गोली मारी थी। कौन सी गोली थी वो भाई, मोम की या थूक की? वहां बर्फ में पड़ी थी लाश उसकी, हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था उसने, हमने देखा था उसे मरते हुए। सर तो ये बॉम्ब किसने लगा दिया? हाँ, जनता को लेक्चर देते रहते हो, किसी भी लवारिस चीज को हाथ मत लगाओ, और यहाँ पे एक लवारिस केक दिखा, नाम डाल दिया उसमें। बट सर ये बट इफ सब खत्म, सब खत्म। टिक 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 टिक, ये नया गाना है सर? यस। टिक 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 टिक, इस टिक टिक से ही अब तुम लोगों की जिंदगी चलने वाली है। घड़ी की तरफ ध्यान दो, फिर घड़ी की तरफ, क्योंकि अब हर केस 24 घंटे में सॉल्व होगा। 2 और 4, 24, हर केस 24 घंटे में सॉल्व करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.